नमस्कार, जेके न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। सीनियर प्रोड्यूसर डायरेक्टर श्री शिवदत्त शर्मा जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए कल्चर एकेडमी जम्मू ने श्रद्धांजलि प्रोग्राम रखा था, जहां पे हमारे आर्ट से जुड़े हुए सभी लोग और उनको जानने वाले सभी लोग जो हैं जहाँ पर पहुँचे। शिवदत्त जी ने जो काम डोगरा कल्चर को बढ़ावा देने के लिए किया है वो कभी भूला नहीं जा सकता। कुछ मैम आप बताएं, कितना बड़ा लॉस हुआ है J&K फिल्म इंडस्ट्री और ख़ास तौर पे डोगरा समाज को? अगर मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ एक प्रोफेशनल लॉस नहीं है अजीत जी, ये सबके लिए आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी जो हमारी है उसके लिए एक पर्सनल लॉस बन गया है। शिवदत्त जी कश्मीर की बात नहीं कह सकती, बट जम्मू में कैमरा इक्विपमेंट, फुल प्रोडक्शन हाउस, एडिटिंग टेबल लाने वाले, टेलीमैन फिल्म्स एस्टैब्लिश करने वाले शिवदत्त जी पहले शख्स थे। शिवदत्त जी के स्टूडियो में से जम्मू का कोई आर्टिस्ट नहीं कह सकता कि वो वहाँ से पककर नहीं निकला। एक कच्चा फल अगर अंदर गया तो वो एक पका हुआ फल बनकर वहाँ से निकला, चाहे वो टेक्नीशियन था, जो उस स्टूडियो से होकर गुजरा वो आज सक्सेसफुल है। वैसे मैं भी एक, जब उनका कास्तू सीरियल बना उसमें जब उन्होंने मुझे एक छोटे से रोल के लिए, बहुत छोटे से रोल के लिए सिलेक्ट की गई थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल शुरुआती दौर था, उनका विजन इतना ब्रॉड था कि जैसे ही मैंने फर्स्ट डायलॉग डिलीवरी दी, मेरे टोटल 3 सीन्स थे, उन्होंने राइटर वहीं पे मेहता साहब से कहा कि कुड़ी दे डायलॉग्स करो जी, और कुड़ी हूँ जितनी देर शूटिंग चलनी है साढ़े करने हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, वो मेरे डोगरी के गुरु मोहन सिंह जी, ये 3-4 लोग बैठे हुए थे, मेहता साहब, शिव मेहता जी, रिनाउन राइटर। और मुझे आज भी याद है वही उनका लाफ्टर, हा हा हा, तो कुड़ी ये के करना है आगे? मैंने कहा सर अभी तो मेरी पढ़ाई शुरू हुई है, कॉलेज फर्स्ट ईयर है, तो पढ़ाई करनी है और IPS ऑफिसर बनना है। और वो एक गड़ाका आया, कुड़ी उन कुछ नहीं होना तेरे को ना, तू इससे फील्ड वास्ते बनी दी है, इस करिए एक्टिंग कर दे, चल साढ़े करने सीरियल्स कर, उन तू नाटक करने न, और बड़े उनकी वर्डिंग से उन तू ड्रामेबाज बनी गई दी है, उन साढ़े करने के रोना। मतलब एक इतनी डिसिप्लिन लाइफ जीने वाला शख्स, हर एक चीज़ की टाइमिंग, उठने की टाइमिंग, सोने की टाइमिंग, खाने की टाइमिंग, एक दाग नहीं लगने देते थे वो चेहरे पे। मतलब अगर उस शख्स के साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है तो किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ अजीत जी कि आप शिकायतें रखिए एक दूसरे के साथ, रखिए, होती हैं, इंसान है हम, भगवान नहीं, लेकिन फिर उन शिकायतों से मुंह मोड़ कर एक दूसरे को गले लगा लो। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में आज जम्मू के थिएटर फ्रेटर्निटी के लोग, म्यूज़िक लवर्स, लिटरेरी पर्सनालिटीज़ और शिवदत्त जी को जानने वाले सभी लोगों ने आज मिलकर एक भावभीनी श्रद्धांजलि उस महान कलाकार और जम्मू के सबसे पहले कैमरामैन, जिन्होंने जम्मू में कैमरा को, जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, इंट्रोड्यूस किया। आज इस श्रद्धांजलि समारोह में जहां उनके अचानक चले जाने से सभी ने दुख का इजहार किया, उसी
के साथ साथ उनकी ज़िंदगी की जो कंट्रीब्यूशन रही है, ख़ास तौर पर जम्मू के रीजनल लैंग्वेजेस को लेकर, जिसमें डोगरी के साथ साथ पहाड़ी, गोजरी, पंजाबी या बाकी ज़ुबानों में जो उन्होंने काम किया, और सिर्फ इन ज़ुबानों को जम्मू तक ही महदूद नहीं रहने दिया, बल्कि उन्होंने इस स्टेट से बाहर पूरे हिंदुस्तान में और इन दिनों ख़ास तौर पर ग्लोबल लेवल पर उन्होंने इस मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में इन ज़ुबानों को, जम्मू की संस्कृति को, यहाँ की भाषा को, यहाँ के कल्चर को ख़ास तौर पर एक प्रोजेक्शन दी। और इन दिनों जब वो यहाँ से शिफ्ट होकर चंडीगढ़ मोहाली में चले गए थे, तो वहाँ पर जो उन्होंने अपने इस आर्ट को इंटरनेशनल लेवल पर जो उन्होंने काम किया, वो काफ़ी सराहना भरा रहा। और इस वक्त पूरे मीडिया के वर्ल्ड में उनका एक अपना एक नाम बना हुआ था, एक मुकाम हासिल किया। ऐसी शख्सियत के अचानक चले जाने पर सभी ने उनको श्रद्धा के सुमन भेंट किए और उनकी आत्मिक शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। मैं मदन रंगीला, अज अस इत्थें डोगरी दे एक ऐसी शख्सियत श्री शिवदत्त जी की श्रद्धांजलि देने लिए सारे लोग कट्ठे हुए दें। शिवदत्त जी जम्मू दी मन्नी परमन्नी दी वो हस्ती है जिन्हें जम्मू दे कल्चर आस्तै जम्मू च बोली जाने वाली जिन्नियां भी भाषा, गोजरी, डोगरी, पहाड़ी, उर्दू, हिंदी, सारियां भाषाओं लई सांझा काम कीता, कदे कुसै भाषा कन्नै भेदभाव नहीं कीता। जम्मू च कोई भी ऐसा कलाकार नहीं जिन्हें उन्दे कन्नै काम नहीं कीता। जम्मू च जिहड़ा कैमरे दा कल्चर या पहला कैमरा जिहड़ा जम्मू च आया वो शिवदत्त जी ने गांदा, ते जम्मू च ये जड़ा प्रिंट मीडिया दा कल्चर जड़ा है शुरू किया। और अपनी भाषा लई, अपने खाने लाने लई, मतलब डोगरी दा जड़ा कल्चर है उसी बढ़ाने लई उन्हें ता जिंदगी काम किया। उदे चुने बहुत अच्छे अच्छे काम किए जिदे डाकूमेंट्रियां, गीत, और इत्थे तक कि पहाड़ी फिल्म लकीर जी कि तुसें सारे दिखी दी भी होनी है, उदे प्रोड्यूसर भी साढ़े शिवदत्त जी गे हे। और दिखने वाली गल तो यह है कि जिसले उनकी मौत हुई उसले भी वो अपना काम गै करा दे। साढ़े जम्मू के मन्ने परमन्ने के जोड़े नेता उनकी डाकूमेंट्री बना दे, उनकी जीवनी पर आधारित फिल्म बना दे। एक शॉट लेने के बाद ऐसा कट उन्हें आख्या जोड़ा उनकी जिंदगी का कट बन गया। अज अस उनकी बरादरी के लोग, उनके परिवार के लोग जिन्हें उनके ने काम किए बड़े दुखी दिल करने इतने कट्ठे होए दें, ते अपने श्रद्धा सुमन उनके चरणे अर्पित करा दें। परमात्मा अगे बिनती करने कि जिन्ने लाड़ प्यार करने उन्हें अपनी डुगर धरती की, डुगर भाषा की, अपने कल्चर की, अपने लोगों की सेवा की है, वह फल परमात्मा उन्हें जरूर दिया, उन्हें अपने चरणे च जगह दिया, तो साढ़े उपर उनका आशीर्वाद हमेशा बनिया रहे। शिवदत्त हुंदे कन्नै मेरी मुलाकात सन 1984 च होई ही। उस वेले मैं डुगर मंच का जनरल सैक्रटरी हाँ, तो शिवदत्त होर श्रीनगर का एक प्रोग्राम ले आए है कोई गाने वगैरह तैयार करने आस्तै, ते उस वेले साढ़ा डुगर मंच जेड़ा है उस वेले काफ़ी सक्रिय हा, प्रोग्राम काफ़ी करा करते, अस नुक्कड़ नाटक वगैरह करा करते, तो उस वेले आए जिस वेले, तो उहदे बाद उनके कन्नै मैं रेगुलर काम करता रहा, काफ़ी सीरियल वगैरह च उनके कन्नै मैं काम किया है। और बाकी शिवदत्त उनकी एक खासियत जिहड़ी ही कि वो बड़े पंक्चुअल, टाइम दे बड़े पंक्चुअल है, जेड़ा भी वो काम करते हैं उनका पेपर वर्क बड़ा डीसेंट किस्म का होंदा हा, हर एक चीज़ किन्ने बजे होनी चाहिए है, कदों होनी चाहिए है, किस टाइम उपर होनी चाहिए है, उसदे बड़े ही पंक्चुअल है और बड़े अच्छे तरीके कन्नै काम करते हैं और बेहतरीन तरीके कन्नै। और मैं हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी, उन्हें मैं कदे गुस्सा होंदे नहीं दिखिया। शिवदत्त हुंदे फिल्म जिस वेले लकीर बनाई है और बड़ी बेहतरीन लकीर फिल्म होई है उनकी, वो फिल्म जिहड़ी है उसकी वजह कन्नै साड़ा कल्चर जिहड़ा है, जम्मू कश्मीर का कल्चर जिहड़ा है, वो बाहर तक भी गया। और शिवदत्त हुंदे साढ़े बाकी
डोगरा कल्चर की हाईलाइट करने आस्तै उन्हें बहुत अच्छा काम किया। खासकर जियां साढ़े पकवान वगैरह हैं उन्दे बारे विच उन्हें काफ़ी रिसर्च वर्क किया और उदे बाद लोकें तक उनकी पहुँचाने की कोशिश की। उदे बाद जिहड़ी साड़ी हैरीटेज वगैरह ने साड़ियां विरासत वगैरह ने उन्दे पर डॉक्यूमेंटेशन जिहड़ी है उन्हें बड़ी अच्छी कीतियां और दूर दूर तक पहुँचाने की उन्हें कोशिश की है। मैं जिस दिन शिवदत्त हुंदा काल होया उहदे एक दिन पहले टैलीफोन पर उन्दे कन्ने गलबात होई है कि मैं सवेरे 8 बजे मुबारक मंडी शूटिंग करनी है ते उत्तम सिंह ने उन्हें कास कीते दा हा कि उन्दा फोन नहीं मिला करता। महा जी मेरे कोल बैठा है तुस गल कर लो ते उन्हें गल कीती है ते पर दूसरे दिन जिस वेले सवेरे सुनिया ते बड़ा ताजुब जिहा लगा क्योंकि मैं फिर उहदे बाद फोन कीता ते उन्दे बेटे कन्ने मेरी गलबात होई ते आखन लगे अंकल ऐसी बात नहीं है कोई भी हॉस्पिटल अस टाइम सिर पुजी है ते और इस वेले डॉक्टर आखा करदे ने कि आउट ऑफ डेंजर सी ते अस नारायणा शिफ्ट करा करने हैं। पर दोपहरी वेले जिस वेले पता लगा कि शिवदत्त और असगी छोड़िए चलीए तो बड़ा दुख होया। मैं तो इन्ना आखंग कि ईश्वर उन्दी आत्मा की शांति दे ते उन्दे परिवार की ये जड़ा नुकसान होया उसी सहन करने दी शक्ति दे।